चूसर चैम्बर को कब और कैसे अनलॉक करना चाहिए। टिप्स: जूसिंग के बाद जूसर चैम्बर को अनलॉक करने का सही तरीका। जानते हैं कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके। पहला, जूसर स्विच ऑफ करने के तुरंत बाद लिड ना खोलें। ये आपके सीव व इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। दूसरा, सीव के रुकने का 10 सेकंड तक इंतजार करें। तीसरा, जूसिंग के बाद जूस ड्रिप ना हो, उसके लिए स्पाउट को ऊपर टर्न कर दे। चौथा, जूसर चैम्बर को निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। यूज करने के बाद जूसर के सारे पार्ट्स को क्लीन कीजिए। हैप्पी जूसिंग। Innovation and you, Philips.